Dear student, we had discussed that uh, we can go for a collaboration for the completion of a project, or we can, we can choose to go for solo. We don't want to share our secret, we don't want to share our technology. We, we have all the capabilities, so we will do it by ourselves. And finally, we don't want to share our profits, so we want to earn all the money by ourselves, so we go for solo. लेकिन जब हमने कहा कि बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिसमें वी डोंट हैव ऑल द टेक्नोलॉजी वी डोंट हैव ऑल द एक्सपर्टीज एंड वी डोंट वी डोंट हैव मैन पावर हु आर हु आर एक्सपर्ट इन इन ऑल द फील्ड्स हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स uh, uh, नहीं हैं जो हर फील्ड के एक्सपर्ट हैं और बहुत सारी सूरतों में हमें फंडिंग चाहिए हमें फाइनेंसिंग चाहिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन वो सारे जो हैं वो Uh, नहीं अफोर्ड करती टू तो इन्वेस्ट इन द इन द प्रोजेक्ट वी नीड हेल्प फ्राम अदर ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पर हमें अब कलेब्रेशन की ज़रूरत पड़ गई तो हमने एडवांटेजेस डिस्कस किए कि सोलो uh, जाने के क्या क्या एडवांटेजेस हो, हो सकते हैं अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर हम कलेबरेशन में जाते हैं तो उसके एडवाटेजेस uh, क्या होंगे फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्टेनिंग नीडेड स्किल्स एंड रिसोर्सेज मोर क्विकली इट इज़ क्वाइट पॉसिबल दैट योर ऑर्गेनाइजेशन हैज़ द केपेबिलिटी ऑफ डेवलपिंग दोज टेक्नोलॉजीज दो इंजीनियरिंग एक्सपर्टीज जो हमें चाहिए लेकिन इट मे टेक टाइम इट मे टेक टाइम जैसे uh, हमने हाइपर लोप की एग्जाम्पल ली थी पिछली डिस्कशन में हाइपर लोप टेक्नोलॉजी में हमने डिस्कस किया था कि एक आइडिया uh, जो औरिजिनल आइडिया वो ये है कि एक ट्यूब uh, uh, या पाइपलाइन स्टील के पाइपलाइन के अंदर से आ, आ, जो यूनिट है वो मूव करेगा तो वो जो स्टील का पाइप बनाना है इट इज़ क्वाइट पॉसिबल वो हमारे लिए पॉसिबल है लेकिन अब क्योंकि हमारी एक्सपर्टीज बेसिकली पाइपलाइन मेकिंग है नहीं तो पाइप अगर हम खुद बनाना शुरू करेंगे तो वी माइट हैव टू इंस्टॉल ह्यूज प्लांट एंड प्रोजेक्ट एंड दैट विल डेफिनेटली टेक लाट अनी बट इट विल वेस्ट अ लॉट ऑफ आवर टाइम इन स्टेड हम किसी पाइप मैन्युफैक्चरर जो ऑलरेडी वही काम करते हैं उनको अपनी स्पेसिफिकेशन दें और हम उनको कहें कि आप हमारे लिए दिस पर्टिकुलर पार्ट आर पीस, आर टेक्नोलॉजी डिजाइन करके दें हमें दैट विल बी अ लाट क्विकर अलाट कैनी लास्ट की टू तो जैसे हाइपर लूप टेक्नोलॉजी है या कोई भी और हमारा Uh, जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं उसके बेशुमार कंपोनेंट ऐसे हैं जो सारे हम नहीं कर सकते जैसे ऑटोमोबाइल की हमने एग्जांपल ली थी कि ऑटोमोबाइल में मोस्ट ऑफ द कार मैनुफैक्चर जो हैं, दे डोंट मेक एवरीथिंग बाय दैम बट दे डू दे फोकस ऑन द इंजन्स और दे आस्क फॉर द एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर टू मेक द पार्ट्स एंड मोस्ट ऑफ द कार मैन्युफैक्चर आर बेसिकली कार असबल नाउ सिमिलरली टाइम इज़ डेफिनेटली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंक टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसल्टेसन वाइल वर्किंग एंड टेक्नोलॉजी हमने डिस्कस पहले भी किया कि बहुत सारे प्रोजेक्ट बहुत सारे आइडियाज इसलिए मार्केट में फेल हो जाते हैं कि वो अपने टाइम से लेट हो गए तो अगर टाइम से हमने लेट हो गए और उस दौरान में कंपटिटर या चैलेंजर मार्केट में आ गए तो हमने जो एडवांटेज मार्केट में लेना था वो हम नहीं ले पाएंगे तो इन सिचुएशन में टाइम इज़ क्रुशल इफ़ टाइम इज़ क्रुशल तो फिर हमें आ, ये सोचना होगा कि हमें वो पार्ट वो कॉम्पोनेंट इमिडियटली राइट वे कहाँ से मिल सकते हैं तो यहाँ पे एक कलेब्रेशन की हमें जरूरत पड़ गई कि वी आर लुकिंग फॉर एन आर्गनाइजेशन हु कैन प्रोवाइड प्रोवाइड अस दोज एक्सपर्टीज़ दो मटीरियल दोज टेक्नोलॉजीज दोज पार्ट्स दो सर्विस राइट वे लाइक मिनिमम टाइम तो दैट इज़ वन कंसलेशन फॉर

ये सारा हमने करना है या नहीं करना अगर तो हमारा एक प्रोजेक्ट है, एक प्रोजेक्ट बनना है उसके बाद ख़त्म हो जाना है हमें फिर इसकी जरूरत नहीं पड़नी तो वी डोंट हैव टू इन्वेस्ट मनी ऑन बिल्डिंग अप दो एसड विच विल नॉट बी यूज्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस वन वन प्रोजेक्ट इसलिए दैट्स अनदर रीजन कि वी सेव आवर कैश फ्लो हमें अपना कैश फ्लो को बचाना है हमने उसको ऐसे प्रोजेक्ट uh, पे ऐसे पार्ट्स प्रोजेक्ट के उन कंपोनेंट पे नहीं लगा देना है जो हमारे हमें ऑन गोइंग इसकी ज़रूरत नहीं रहनी तो दैट्स एन अनदर कंसलेशन प्रॉपर एलोकेशन ऑफ आवर फंड्स दैट्स द समरी ऑफ़ दिस पर्टिकुलर पॉइंट एंड देन लर्निंग फॉर्म फ्रॉम पार्टनर्स कुछ चीज़ें जो हमें नहीं पता है कुछ काम हम नहीं जानते हैं और वही काम दूसरे लोग जानते हैं समर एक्सपर्ट एक्सक्लूसिवली एक्सपर्ट इन दैट पर्टिकुलर फील्ड एंड वी आर नॉट एक्सपर्ट इन दैट पर्टिकुलर फील्ड फॉर एग्जाम्पल आप एक रबर प्रोडक्ट है रबर के प्रोडक्ट्स आप बनाते हैं रबर कैम प्रोडक्ट में जब आप रबड़ uh, को प्रोसेस करते हैं उसमें लाड ऑफ केमिकल्स यूज़ होते हैं उनमें से uh, जो ब्लैक रबर के प्रोडक्ट है उसमें कार्बन ब्लैक यूज़ होता है कार्बन ब्लैक बनाना इट्स सेल्फ इज ए इज ए प्रोसेस जो कि हम कर सकते हैं अगर हम रबर की इंडस्ट्री स्टार्ट कर सकते हैं हम कार्बन ब्लैक खुद भी बना सकते हैं लेकिन एक तो पहली बात यह है कि हमने डिसाइड करना है कि हमने इस पर कॉन्सनट्रेट करना है या इस पर कॉन्सनट्रेट करना है दूसरा ये कि हमने अपने फंड वहाँ एलोकेट करना है या यहाँ एलोकेट करना है अब तीसरा ये कि एक ऑर्गेनाइजेशन एक्सपर्ट है इन मेकिंग कार्बन ब्लैक हम उस आर्गेनाइजेशन की एक्सपर्टीज से बेनिफिट ले लेते हैं बजाय इसके कि अपनी एक्सपर्टी डेवलप करें तो हमें बनी बनाई एक्सपर्टीज मार्केट में अगर अवेलेबल हैं और सम टाइम इवन एट ए चीपर प्राइस और इवन एट हायर प्राइस बट इजिली अवेलेबल एंड मोर रिलायबल बिकॉज दे आर एक्सपर्ट इन दैट फील्ड फॉर लॉन्गर टाइम तो हम एज सच मार्केट में जो अवेलेबल एक्सपर्टीज हैं उन एक्सपर्टीज को ले लेते हैं हर हम यूज़ कर लेते हैं दैट इज़ अनदर रीजन फॉर एंड देन रिस्क शेयरिंग एवरी न्यू प्रोजेक्ट हैज ए लॉट ऑफ रिस्क दिस कैन बी फाइनेंशियल रिस्क दिस कैन भी मार्केटिंग रिस्क दिस कैन भी दम लीगल रिस्क दिस कैन भी टेक्नोलॉजिकल रिस्क ये रिस्क अगर हम किसी से कोलाब्रेशन नहीं कर रहे कोई पार्टनरशिप नहीं कर रहे तो सारा रिस्क भी हमारे लिए है डेफिनेटली वी आर वी आर अर्निंग लाट ऑफ प्रॉफिट टू सारा प्रॉफिट भी हम लेते हैं लेकिन सारा प्रॉफिट लेने के साथ साथ सारा रिस्क भी हमारे ऊपर है तो हम जब कलेब्रेशन में चले जाते हैं तो उसमें एक एडवांटेज उसका या एक कंसल्टेसन हमारे ये भी होती है कि इन केस समथिंग गोज़ रॉन्ग तो रिस्क शेयरिंग हो जाती है कि कुछ रिस्क जो है वो हमारे वो पार्टनर ले लेते हैं जिनके साथ हम मिल के काम कर रहे होते हैं तो दैट इज़ अनदर कंसल्टे अब ये ये बिल्कुल दो अपोजिट चीज़ें हो गई कि एक तरफ प्रॉफिट है हम चाहते हैं कि सारा प्रॉफिट हम लें और एक तरफ हम रिस्क है कि हम नहीं चाहते कि सारा रिस्क हम लें तो हमने ये डिसाइड करना है कि हमारा प्रॉफिट मोर इंपॉर्टेंट है हमारे लिए या रिस्क सेविंग मोर इंपॉर्टेंट है तो दैट इज ए लास्ट थिंग दैट इज वी कैन बिल्ड कोऑपरेशन अराउंड ए कॉमन स्टैंडर्ड्स ए लॉट ऑफ थिंग के स्टैंडर्ड्स हमें पता नहीं होता कि इस वक्त इस काम के लिए कौन से स्टैंडर्ड जो वो वो मार्केट में एक्सेप्टेबल हैं लीगली एक्सेप्टेड हैं गवर्नमेंट के लिए एक्सेप्टेबल हैं या बेस्ट क्वालिटी कौन कौन से हैं ए, कौन से स्टैंडर्ड्स हैं वो स्टैंडर्ड्स हमें मिल जाते हैं और आगे साल मिलके काम करने के तो हम ये डिस्कशन ये कर रहे हैं कि कभी कभी हम सोलो प्रोजेक्ट uh, करने का डिसीजन करते हैं और कभी हम कलेब्रेशन में प्रोजेक्ट करने का डिसीजन करते हैं मेन वी वर्क इन कलेब्रेशन तो ये सारे जो आज हमने डिस्कशन की है ये एडवांटेजेस हो सकते हैं गोइंग इन कलेबरेटिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट